नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में, होमियो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं, देख लिए हैं थंबनेल में दिए हैं कि जिसको नर्व का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है या तो फिर नींद बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है, या तो फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, खास करके जिसको नर्व का प्रॉब्लम हो चुका है, तो ये मेडिसिन आपके लिए है, ये वीडियो भी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोले, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा काम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से ऑल वाला बटन जो है उसमें ऑल में प्रेस कर लीजिए, आई ऑल बटन को, ताकि जब भी हम इस रिलेटेड कोई वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक कंपनी है रिक्वेक का, जो बनाते हैं नर्व टॉनिक विटा सी, और नर्व टॉनिक कहा जाता है, या तो फिर जिसको स्लीपलेसनेस का जो दिक्कत है, स्लीप में मतलब नींद नहीं आ रहा है, उनके लिए बनाया गया है। इसके बारे में एक मेरे जो इसके बारे में जो बात जो टॉपिक के लिए ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मेरे भी एक ओपिनियन है, बीच में आपको बताएंगे, सुनते रहिए, क्योंकि ये मेडिसिन आपके लिए है या नहीं है जानना बहुत जरूरी है। तो इसको सिम्टम मतलब कौन सिम्टम में आप इसको ले सकते हैं, देखिए उससे पहले बोलें कि ये मेडिसिन कौन कौन दवा से बना हुआ है, कौन कौन दवा से इसको बनाया गया है। जैसे कि देखिए, एसिड फॉस है, कोकुलास है, हेलोनियस है, इग्नेसिया है, सिपिया है, जिंकम है, और भी दो चार को दवा ऐसे मिला के एगो कॉम्बिनेशन बना के एगो पेटेंट दवा बनाया गया है। उन लोग का दवा है कि इसमें जिसका एंग्जाइटी है, जिसका स्लीपलेसनेस है, जिसका नर्व का प्रॉब्लम है, उसमें काम आएगा। सिम्टम क्या निकल के आता है, देखिए, अगर फिजिकली या मेंटली आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जैसे कि आपको कोई भी काम में जो आत्म एक शक्ति रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपको ख़त्म हो चुका है, मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, या तो फिर दिन को ही थोड़ा सा नींद आना, दिन को भी थोड़ा सा नींद नींद लगना और रात को नींद ना आना, और थोड़ा सा मेल का भी जो प्रॉब्लम है, खास करके इम्पोर्टेंसी में, तो उसमें भी ये काम करता है। दूसरा, शरीर का जो रक्त संचालन है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इसको ये बढ़ा देता है और बहुत अच्छा रखता है, और जहाँ जैसे खून का ज़रूरत हो उसको उसका जो चलना है शरीर में उसका ठीक करता है वो, मतलब कहीं पर जो रुकावट अगर बन जाता है तो उसको खोलने पे भी काम करता है। दूसरा क्या है, उसका जो अगर पार्स देखिएगा तो पार्स में भी थोड़ा सा वीकनेस बना रहता है, स्लो पार्स हो जाता है, वीकनेस रहता है। और क्या है, नींद तो आपको आएगा ही नहीं, किसी किसी के बोलते सर बहुत दिनों से मेरा नींद नहीं आ रहा है, और कोई कोई बोलेगा सर कुछ दिनों से मेरा नींद का जो है प्रॉब्लम हो चुका है, कि हम नींद तो आ रहा है, सोने जा रहे हैं, लेकिन फिर नींद टूट जा रहा है, और मन में बहुत ज़्यादा चिंतन चल रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे करके मेरा नींद टूट जाता है, और फ्रेशनेस नींद नहीं होता है। और किसी किसी को क्या होगा, ये जो गर्दन है यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, झुनझुनाहट होगा, और क्या पैर में भी थोड़ा सा दुखने लगेगा, कभी कभी जलन जैसा महसूस होगा, कभी कभी झुनझुन 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 करेगा, लगेगा कि क्या शरीर में मेरा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ अगर होगा, सर जो है वो दुखेगा थोड़ा सा, और भारीपन हैवीनेस लगेगा, ऐसे रहेगा, और उसके साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सडन एंग्रीनेस, एक अचानक आप गुस्सा हो जाओगे, मतलब आप अपने आप पे काबू नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे आपको सिम्टम आ रहा है, और लगेगा कि हमको अकेले रहना है, पसंद नहीं है सबको, बहुत ज़्यादा कोई बात करेगा हमको पसंद नहीं है, हमको अकेले रहना, शांत रहना, ऐसे अगर हो जा रहा है तो फिर ये मेडिसिन आपको लिए है। और क्या है, इसको खाने के लिए नियम आपको सुनना चाहिए, अगर ये सारे सिम्टम आप में मिलता है तो फिर डोज सुन लीजिए, वो है कि 5 ml करके 30 ml पानी में मिला के समूचा दिन में 3 बार लेना है इसको, खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए या तो आधा घंटा बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिन खाने के बाद अगर ठीक महसूस हो तो फिर समूचा दिन में 1 बार लेना है शाम को, वही 5 ml 30 ml पानी के मिला के, बस उससे ये ठीक हो जाएगा। अब आते हैं मेरा ओपिनियन ये है, ये मेडिसिन कंपनी का दवा है, मेरा नहीं है, हम ज़्यादातर पेटेंट मेडिसिन को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर एक्यूट केस है, आपके पास नज़दीक कोई डॉक्टर नहीं है, और पैसा का भी थोड़ा सा आपको कमी हो सकता है, तो फिर एक्यूट केस में इसको ले सकते हैं, अच्छा हो गया तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इतना ही है, अगर कोई कुछ मेरे से वीडियो चाहते हैं या कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो भी बनाएंगे और आपका उत्तर भी देंगे, थोड़ा देरी हो सकता है लेकिन देंगे आपको ज़रूर। दूसरा क्या है, अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट चाहिए आपको, तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जाएगा,
तो फिर वहाँ पर आपका नाम एड्रेस लिख के भेज दीजिए, फिर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। थैंक यू।